आज हम जानते हैं कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के बारे में। यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डेटा और संदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। इस प्रकार वह यंत्र जिनके द्वारा डेटा या अनुदेश को कंप्यूटर में डाला जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आदि इनपुट डिवाइस हैं। जैसे ये कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन और माइक, ये सारे इनपुट डिवाइस। वह डिवाइस जिनके सहायता से कंप्यूटर के अंदर डेटा डाला जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कीबोर्ड के प्रयोग कर कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए किया जाता है। आज के समय क्वालिटी कीबोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। कीबोर्ड की स्थिति और कार्य के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। यह कुछ इस प्रकार दिखता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जैसे देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ लगा दी जाती है जिससे बॉल को आसानी से घुमाया जा सकता है। इसका उपयोग वीडियो गेम खेलने और सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। यह कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाद जैसे देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन को इनपुट डिवाइस के रूप में माना जाता है। इसका आकार पेन के जैसा होता है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसकी सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा जा सकता है, चित्र बनाया जा सकता है और बार कोड को पढ़ा जा सकता है। यह कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं स्कैनर। स्कैनर को हम इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। स्कैनर का प्रयोग करके रेखा चित्र और तस्वीरों डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी या फिर कंप्यूटर हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखा जा सकता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। स्कैन के माध्यम से डॉक्यूमेंट को स्कैन कराकर कंप्यूटर में रख लिया जाता है और उसे ईमेल या अन्य तरीके से भेजा भी जा सकता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाद देखते हैं बारकोड के बारे में। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो बारकोड विभिन्न चौड़ाई वाली पट्टी होती है, उसकी चौड़ाई और दो पट्टियों के बीच दूरी के हिसाब से उनमें सूचनाएँ रहती हैं। इन सूचनाओं को बारकोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर उत्पाद, वस्तु का प्रकार आदि का पता लगाया जाता है। जैसे ये बारकोड है और ये जैसे इधर यह बारकोड रीडर है। इस तरीके से आगे हम देखते हैं माइकर। माइकर इसका उपयोग चुंबकीय स्याही से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैंकों द्वारा चेक ड्राफ्ट में किया जाता है। कुछ इस तरीके से देखता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे हम ओमार रीडर भी कह सकते हैं। यह इनपुट डिवाइस है जो संकेतों चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशी किरणों को कागज पर डाला जाता है और पेन या पेंसिल के निशान से परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। उदाहरण स्वरूप आजकल
ऑब्जेक्टिव उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। इसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें जो फोटो या वीडियो होते हैं उसे कंप्यूटर में भेजा जा सकता है। यह कुछ इस तरीके से भी दिखता है। इसके बाद देखते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनकर निर्देश दिया जाता है। टच स्क्रीन का उपयोग एटीएम, सार्वजनिक सूचना केंद्रों पर किया जाता है तथा स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं माइक। माइक इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर में मल्टीमीडिया के विकास से आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए माइक का प्रयोग किया जाता है। यह इस तरीके से और इस तरीके से